हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 सेम 2 चैप्टर 1 वर्ड अराउंड अस। यहाँ पे हमें एक्टिविटी 4 है लिख करने की है, जो तो आपको टेक्स्ट बुक में नोटबुक में दोनों में लिखने की है। और यहाँ पे वाटर का कैसे यूज़ करने का है वो बताया है, जो हमें अलग करके क्या करना है क्या नहीं करना है वो अलग करने का है, जो मैंने करके दिखाया है कि वी ओनली एज मच वाटर एज यू वी यूज़ ओनली एज मच वाटर एज यू रिक्वायर, जितना ज़रूरत इतना ही वाटर का यूज़ करो। क्लोज द टेप, टेप को बराबर फिट टाइटली फिट बंद करने का है। और जब हम बात करते हैं तो शोवर के बदले बकेट का यूज़ करने का है। तो और हमारे ग्रुप के साथ हमें पानी को कैसे बचाने का है उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। अरे यूज़ वाटर जग, जब हम ब्रश करते हैं तब वाटर जग का यूज़ करना चाहिए, रनिंग वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड जब पेंट को हमें क्लीन करना है तो उसके लिए ऑयल और केमिकल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पेंट को करने के लिए निकालने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। अब क्या नहीं करना चाहिए, तो डोंट थ्रो गार्बेज नियर वाटर। सम वेन हम पिकनिक में गए हैं तो जो वहाँ पे वाटर बॉडी होती है इसके नज़ीक में हमें कुछ गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। डोंट थ्रो पूजा ऑफर्स इनटू रिवर और पॉन्ड, पूजा का जो सामान है वो भी हमें वाटर में नहीं डालना चाहिए। डोंट वॉश योर व्हीकल्स, तुम्हारे व्हीकल्स है वो भी नदी के पास नहीं धोना।